Hello everyone, welcome to our YouTube channel Programming Hub. I am going to share some unique information about computer. Typewriter is the longest word that you can write using letter of one row of keyboard. Keyboard ka किसी भी स्पेसिफाइड रो, एक रो का जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा कोई वर्ड टाइप हो सकता है वो है टाइपराइटर। इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इससे ज़्यादा लेटर्स का टाइप हो सके एक रो के लेटर को यूज़ करके, और इत्तफाक से ये क्वर्टी के पहले ही लाइन में अपीयर होता है। नाउ सेकेंड, द ओरिजिनल नेम ऑफ विंडोज़ वाज इंटरफेस मैनेजर। सो विंडोज़ का ओरिजिनल नाम विंडोज़ इंटरफेस मैनेजर है। थर्ड वन इज, टू टाइप एनी की ऑफ कीबोर्ड यू मे प्रेस ऑल्ट प्लस आस्की, वेयर आस्की मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एग्जाम्पल, टू टाइप कैपिटल ए प्रेस ऑल्ट प्लस 65। अगर आपके कीबोर्ड का कोई की खराब हो गया या टूट गया, मान लो कैपिटल ए, तो आप नमलॉक को ऑन कर लो, ऑल्ट बटन प्रेस करके रखो और नमलॉक साइट के नंबर को जैसे 6 और 5 प्रेस करो और ऑल्ट छोड़ दो, तो देखो कि नोटपैड वर्ड जहाँ भी टाइप करना हो कैपिटल ए लिखा जाएगा। इसी तरह बी टाइप करना हो तो ऑल्ट प्रेस करके रखो और 6 को प्रेस करो, कैपिटल बी लिखा जाएगा। सो ऑल्ट के साथ जो 65, 66 ये जो नंबर्स है ये आस्की वैल्यू कहलाता है। सो आस्की का रेंज मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, 65 to 90 कैपिटल ए टू जेड के लिए होता है, 97 to 122 स्मॉल ए टू जेड के लिए होता है, एंड 48 to 57 जीरो से नाइन के लिए होता है। मैं उसको प्रैक्टिकली करके दिखा था, मगर मेरा ये जो लैपटॉप है डेल का, इसमें नम की वाला ऑप्शन नहीं है, और अगर ऑन की ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करता हूँ तो वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नम लॉक की मस्ट बी ऑन एंड यूज़ नम लॉक की साइट नंबर बटन। सो दिस वन इज़ द थर्ड यूनिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्यूटर। नाउ फोर्थ, Microsoft, Apple and HP have one very interesting thing is common, that is started in garage. ये वो लीडिंग कंपनी आज पूरे वर्ल्ड में है जिसके बारे में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे का स्टार्टिंग एक गैराज से हुआ था, आज पूरे वर्ल्ड में है। इसका मतलब किसी काम को छोटे लेवल से शुरू किया जाए और बहुत आगे तक जाया जा सकता है अगर सही डायरेक्शन में काम किया जाए। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट माउस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माउस भी बनाया था, लॉन्च्ड इन 1983, वाज द फर्स्ट हार्डवेयर प्रोडक्ट मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बनाता है, चाहे विंडोज़ हो या ऑफिस हो, बट ये माउस बनाया था जो सबसे पहला, बहुत सारा हार्डवेयर बनाता है जो 1983 में बना था। ये पहला माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था जो हार्डवेयर के फॉर्म में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट, ईच ऐप पिंड राइट आफ्टर स्टार्ट बटन इज ऑर्डर्ड न्यूमेरिकली like 1, 2, 3 so on. So open just pressing the windows key plus app number. यानी जो windows operating system होता है उसके जो एकदम last left side में जो start button होता है उसके बाद जितने apps के icons हैं तो उस पर क्लिक करने से वो open होता है, लेकिन वो सारे icon का sequence में एक number होता है, जैसे पहला है तो 1, दूसरा तो 2, तीसरा तो 3rd पे, likewise. So अगर windows button और 1 press किया जाए तो पहला वो open होगा। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इसी तरह अगर विंडोज़ प्रेस करके 2 प्रेस करेंगे तो वो दूसरा ओपन होगा, तो वो चीज़ मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। लाइक मैं कर ही दे रहा हूँ, विंडोज़ 1। सो मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ का एक्सप्लोरर है इसलिए ये ओपन हुआ पहले प्लेस पे। विंडोज़ 2, मेरे कंप्यूटर में मीडिया प्लेयर का लाइब्रेरीज का ऑप्शन है 2 पे, वो ओपन हुआ। विंडोज़ 3, विंडोज़ मीडिया प्लेयर होगा 3rd प्लेस पे, ये ओपन हुआ। सो इन दिस वे यू आर एबल टू ओपन बाय यूजिंग विंडोज़ प्लस द न्यूमरल वैल्यू। सो दिस इज़ द यूनिकनेस इन विंडोज़। नेक्स्ट, अगर किसी एप्स के लिए शॉर्टकट की अपनी तरफ से बनाना है, मीन्स कस्टमाइज कीबोर्ड shortcuts, so right click to the app icons and select properties, open the shortcut tab and press the key you wish to launch the app in the shortcut key field and then your app will start.
So I want to show you here. So first I want to end the this button, those opened, and then try to click on Microsoft MySQL app, and then on properties here shortcut key present and shortcut key option, press, I am pressing here S, so automatically it will generate Control Alt S, and then apply, take administrator permission, then press OK. And when you press Control Alt S, automatically MySQL app will open. So in this way you are able to put the shortcut keys. This is the some interesting unique facts regarding computer.